हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे पेटी कैश बुक। ये लास्ट टॉपिक बनता है कैश बुक का। इसे लास्ट क्लासेस में हमने बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ हर एक कंसेप्ट को, चाहे वो सिंगल कॉलम कैश बुक हो, डबल कॉलम कैश बुक हो, बेस प्रैक्टिकल, सब अच्छे तरीके से कवर किए हुए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब क्या होता है कि ये वो कैश बुक होती है जिसके अंदर जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, यानी कि ऐसे खर्चे जिनको कुछ ज़्यादा बड़ी अमाउंट है जो नहीं चाहिए होती, वो खर्चे पेटी कैश बुक के अंदर ही कोड किए जाते हैं। ये पे जो कंसेप्ट बनता है पेटी कैश बुक का, क्यों ये ओरिजिन में आया, क्योंकि अगर एक कैशियर, यानी कि जो कैश बुक बनाता है पर्सन, अगर वो हर एक खर्चे को कैश बुक के अंदर ही कोड करता, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण जो कैश बुक थी वो ओवरबर्डन हो जाती, तो यहाँ पे दिक्कत आती, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ने के कारण जो कैश बुक का जो ओवरबर्डन हो जाती, जिस कारण से कैशियर का जो दिक्कत आती हिसाब किताब करने के लिए। इस कारण से डिसाइड किया गया कि जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनके लिए एक अलग से कैश बुक बनाई जाए, जिसके लिए पेटी कैश बुक है जो तैयार की जाती है। तो यहाँ पे पेटी कैश बुक के अंदर क्या होता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉई अपॉइंट किया जाता है पेटी कैश बुक बनाने के लिए, उसको अमाउंट दे दी जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 10,000 दे दिए उसको महीने के स्टार्टिंग में, कि आपने पूरे महीने के अंदर जो भी छोटे छोटे खर्चे होने हैं वो इस 10,000 में से पूरे कर देने हैं। अब मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पे 10,000 में से सिर्फ 8,000 रुपये खर्च हो चुके हैं, 2,000 जो लास्ट में मंथ के जब कैलकुलेट किया कि बच गए, तब जब नेक्स्ट मंथ के दिए जाएंगे पैसे तो वहाँ पे सिर्फ 8,000 दिए जाएंगे ताकि 10,000 का बैलेंस उसका पूरा हो जाए। इसे इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। कैश बुक के अंदर इम्प्रेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पेटी कैश बुक के अंदर इम्प्रेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है कि एडवांस में पैसा दे देना किसी सर्टेन पर्सन को, जो उस पूरे, यानी कि जिसको इम्प्रेस्ड अमाउंट दी गई हो, कि जो अमाउंट दी जाती है, जैसे 10,000 का मैंने एग्जांपल दिया आपको, 10,000 क्या कहलाएंगे, इम्प्रेस्ड अमाउंट कहलाएगी। यानी कि इस इम्प्रेस्ड अमाउंट में से पूरे महीने उसने जो खर्चे करना है छोटे छोटे, वो इसी इम्प्रेस्ड अमाउंट में से करने हैं। इस इम्प्रेस्ड अमाउंट से ज़्यादा खर्चा एक पेटी कैशियर है जो नहीं कर सकता। और सेकेंडली, जो पेटी कैशियर होते हैं वो अपने हर एक ट्रांजेक्शन का, यानी कि जो उसने खर्चे किए उसकी रिसिप्ट रखेगा वो अपने पास सबूतों के तौर पे, तो फिर वो सबूत है जो मेन कैशियर के पास है, जो एक एविडेंस के रूप में प्रूफ करेगा, और फिर वो जो कैशियर है जो मेन कैश बुक बनाता है उसको रीइंबर्समेंट करके देगा अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे जब भी खर्चे किए जाते हैं पेटी कैशियर द्वारा तो उसके सबूत इसलिए रखे जाते हैं ताकि जो मेन कैशियर है वो उन खर्चों को रीइंबर्स कर सके, ताकि यहाँ पे ये यकीन हो पाए कैशियर को कि जो पेटी कैशियर द्वारा खर्चे किए गए हैं वो बेफालतू में नहीं किए गए हैं, किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन जो ना हो पाए। इस कारण से हर एक खर्चे की रिसिप्ट है जो पेटी कैशियर द्वारा रखी जाती है, ताकि उन रिसिप्ट्स का इस्तेमाल एज अ एविडेंस के रूप में कर पाए। एक बढ़िया इम्प्रेस सिस्टम के लिए क्या होना जरूरी है, सबसे पहले जो पेटी कैशियर है वो अपने पास प्रॉपर तरीके से रिसिप्ट है, जितने भी उसने खर्चे किए उन सबकी रिसिप्ट है वो एज अ एविडेंस के रूप में रखे, और जो रिसिप्ट्स रखी जाएगी उसके द्वारा बिल्कुल डेट वाइज अरेंज करके रखी जाएगी, ताकि आसानी से जो मेन कैशियर उसको देख सके कि हाँ ये खर्चा इस डेट को है, और बाद में उसको रीइंबर्समेंट कर सके अमाउंट को जो उसने खर्च किया है पेटी कैशियर ने। सेकंड, कि जो पेटी कैशियर, क्योंकि कई खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी रिसिप्ट मिल जाती है, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी रिसिप्ट नहीं मिलती, तो उन खर्चों के लिए फिर पेटी कैशियर अपनी तरफ से क्या करता है, वाउचर्स इस्तेमाल करता है। वाउचर क्या होते हैं, कि वाउचर ये एक सबूत का इस्तेमाल, मतलब एक सबूत के रूप में जो इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो ये खर्च किया गया है ये इस चीज़ के ऊपर किया गया, तो वाउचर है जो प्रॉपर एक अथॉरिटी द्वारा, यानी कि एक प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा सेंक्शन करवाए जाते हैं, ताकि वो एविडेंस के लिए इस्तेमाल हो पाए।
यहाँ पे एक अपर लिमिट होती है अमाउंट की रखी जाती है कि एक सिंगल पेमेंट है जो इतनी की जाएगी, अगर इस लिमिट से ज़्यादा खर्च होगा तो वो कौन करेगा, फिर मेन कैशियर ही करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने 10,000 इम्प्रेस्ड अमाउंट ली है कि 10,000 रुपये जो पूरे महीने में खर्च करना है, जो छोटे मोटे खर्चे होंगे। अगर मान लेते हैं कि सिंगल पेमेंट की यहाँ पर लिमिट रख दी गई है कि जो मैक्सिमम 500 तक है जो सिंगल पेमेंट कर पाएंगे, अगर मान लेते कोई खर्चा 500 से ज़्यादा का हो गया तो फिर वो कहाँ से ले जाएगा, मेन कैशियर से ले जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ये समझाया है, यानी कि यहाँ पे जो सिंगल पेमेंट है उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है ये पहले से डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट आता है जो पेटी कैशियर होते हैं, वो रिइंबर्समेंट करवाते हैं, जो भी अमाउंट उसने खर्च किया है सिर्फ वो मेन कैशियर से ही लेगा, किसी बाहर से आउटसाइडर से वो पैसा है जो रिइंबर्समेंट नहीं करवा सकता। जो पेटी कैशियर है वो यहाँ पे आउटसाइड से, यानी बिजनेस के आउटसाइड से कोई भी पैसा जो रिसीव नहीं कर पाएगा, कोई भी रिइंबर्समेंट जो आउटसाइड बिजनेस से नहीं करेगा। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता है कि जब भी जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है जो फिक्स की जाती है वो इस तरीके से फिक्स की जाती है कि ना तो वो कम हो ना वो ज़्यादा हो, जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सफिशेंट अमाउंट हो जिससे पूरे महीने के जो छोटे मोटे खर्चे वो पूरे हो जाएं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि फ़ायदे क्या हैं इस इम्प्रेस सिस्टम के। सबसे पहला आता है कंट्रोल ओवर मिस अप्रोप्रिएशन। बेशक जो इम्प्रेस्ड सम है वो बिल्कुल छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पेटी कैशियर या फिर अदर स्टाफ है वो उसका गलत इस्तेमाल करे। कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकते हैं, क्योंकि जो लिमिट होती है इम्प्रेस्ड अमाउंट की वो रखी जाती है, उसके बाहर जाकर के पेटी कैशियर है जो खर्च नहीं कर पाता। जैसे एग्जांपल मैंने आपको 10,000 का दिया था, 10,000 अमाउंट फिक्स कर दी थी, 10,000 से ज़्यादा जो एक महीने के अंदर पेटी कैशियर खर्च नहीं कर पाएगा पेटी एक्सपेंसेस के ऊपर। कंट्रोल एक्सरसाइज बाय मेन कैशियर, तो जो पेटी कैशियर होता है उसके ऊपर कंट्रोल कौन करता है, मेन कैशियर करता है। यानी कि मेन कैशियर इसलिए कंट्रोल करके चलता है पेटी कैशियर को, ताकि जो पेटी कैशियर है कुछ भी एक्स्ट्रा विजेंस यानी कि बेफालतू कुछ भी खर्चा ना कर पाए, बेफालतू कुछ भी रिवील ना कर पाए। लेसर चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ कैश बाय पेटी कैशियर, तो यहाँ पे पेटी कैशियर द्वारा पैसे के मिसयूज करने के बहुत ही कम चांस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो खर्चा होता है वो एक महीने का पूरा उसको रखना पड़ता है हिसाब, तो यहाँ पे उसका गड़बड़ घोटाला करने के चांस नहीं मिल पाते पेटी कैशियर को, क्योंकि जितना क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में बचेगा कैश इन हैंड का वो किसके बराबर आएगा, जो उसने खर्चा कर दिया। तो यानी कि लास्ट में जितना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10,000 स्टार्टिंग में दे दिए मेन कैशियर ने पेटी कैशियर को, 10,000 में से मान लेते कि 8,000 खर्च कर दिए, 2,000 बच गया, तो यहाँ पे आसानी से एनालाइज कर सकते हैं कि 2,000 बच गए और 8,000 खर्च होगा, टोटल 10,000 का हिसाब हो चुका है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से मिसयूज़ के चांसेस नहीं होते हैं कि पेटी कैशियर कुछ मिसयूज़ कर पाए। एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैशियर, पेटी कैशियर का क्या एडवांटेजेस है, यहाँ पे पेटी कैशियर को एडवांटेज ये मिलता है कि जितना उसको पैसा मिलता है यानी इम्प्रेस्ड अमाउंट मिलता है उससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर पाता, तो यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हैं रेगुलर इंटरवल के ऊपर खर्चों को, जैसे वीकली चेक करना, मंथली चेक करना। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है उसको कि पास्ट डिस्टेंस हो गया तो यहाँ पे दिक्कत आए, क्योंकि आसानी से हर हफ्ते या फिर हर महीने जो चेकिंग मिल जाती है पेटी एक्सपेंसेस की, तो इस कार से जो ज़्यादा दिक्कत में आने की जरूरत नहीं पड़ती पेटी कैशियर को। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस क्या हैं पेटी कैशबुक के। ये तो एडवांटेज अभी हमने कवर किए इम्प्रेस सिस्टम के, अब पेटी कैशबुक का क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहला फ़ायदा आता है सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ चीफ कैशियर, यानी कि जो मेन कैशियर होता है अब उसका टाइम भी बच जाएगा, एफर्ट भी बच जाएगा, क्योंकि जो छोटे मोटे खर्चे थे उसने किसको दे दिए, वो पेटी कैशियर को, तो मेन जो खर्चे होंगे सिर्फ वही करने पड़ेंगे चीफ कैशियर को, जिससे उसका काम है जो आसान हो जाएगा, उसका टाइम भी बचेगा और उसकी एनर्जी भी बचेगी। इजीनेस इन पोस्टिंग, कि सिर्फ मेन खर्चे जो होते हैं उनको ही पोस्ट कर पाएगा वो, क्योंकि जो पेटी कैशबुक होती है पेटी कैशबुक बनाने से जो बैलेंस आता है पेटी कैशबुक का सिर्फ वही ट्रांसफर किया जाएगा लेजर्स के अंदर, जिससे यहाँ पे स्पेस भी बचेगा और आसानी से जो पोस्टिंग भी की जा सकेगी लेजर्स के अंदर। क्योंकि जब पेटी कैशबुक बनाई गई है पेटी कैशबुक में जितने छोटे छोटे खर्चे थे, लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस जो छोटे मोटे थे, वो सारे ऑलरेडी पेटी कैशबुक के अंदर आ गए हैं, तो उसको मेन कैशबुक के अंदर दोबारा से एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट में
में जो पेंडिंग कैश बुक का बैलेंस आएगा सिर्फ वही पोस्ट कर दिया जाएगा लेजर्स के अंदर, जिससे क्या होगा कि जो स्पेस है वो भी सेव हो जाएगा और आसानी से जो पोस्टिंग भी हो जाएगी अकाउंट्स के अंदर, इजीनेस इन प्रिपेयरिंग द कैश बुक बनाने में आसानी होगी। जो छोटे छोटे खर्चों के जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो अलग से पेंडिंग कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दी। तो यहाँ पे जो मेन कैश बुक थी उसका जो ओवर बर्डन था वो कम हो चुका है, तो यहाँ पे आसानी से फिर जो मेन कैश बुक टोटल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कंट्रोल ऑन पेटी एक्सपेंसेस। जो मेन कैशियर होता है वो टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि पेटी कैश बुक के अंदर जो खर्च किए गए हैं वो बेफालतू खर्च तो नहीं किए गए हैं, कहीं कुछ ऐसे खर्च तो नहीं है जो बिना जरूरत के किए गए हों। तो आसानी से जो मेन कैशियर द्वारा उनको ट्रैक किया जाता है, जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं उनको खत्म किया जाता है, लेसर चांसेस ऑफ फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं। पेटी कैशियर अपने हर एक खर्चे की रिसिप्ट रखता है एज ए सबूत के तौर पर, जिससे क्या होता है कि वो एक सबूतों का इस्तेमाल करके मेन कैशियर से रिम्बर्स करवाते हैं अमाउंट को जो उसने पेमेंट की गई होती है, तो जिस कारण से जो चांसेस होते हैं फ्रॉड के वो कम होते हैं। जो रिसिप्ट्स होती है वो प्रॉपर तरीके साइन की होती है मेन कैशियर द्वारा, जिससे वो बाद में रिम्बर्स कर देता है जो पेटी कैशियर की अमाउंट होती है, जिससे जो चांसेस होते हैं फ्रॉड के वो मिनिमाइज हो जाते हैं। सिंपल मेथड, पेडी कैश बुक को बनाना बहुत आसान काम होता है, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान काम है, यहाँ पे किसी भी तरीके की स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से बच्चों ये थ्योरी बेस बनता था पेटी कैश बुक का। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करें इसके प्रैक्टिकल्स। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स फ्रोशंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।